हाय एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ गॉर्जियस बाय वर्तिका। आज मैं बहुत सिंपल सी डाइट फॉलो करने वाली हूँ, जस्ट दैट की कैलोरीज बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, लिमिट में मैं खा रही हूँ। बट हाँ, एकदम से बहुत क्लासिक हेल्दी डाइट नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल है। अब वेट लॉस बहुत स्लो होगा आगे। 58.4 kg। सुबह उठ के मैंने एक गिलास पानी पिया एंड आफ्टर दैट ब्रेकफास्ट में मैं उपमा खा रही हूँ। उपमा मुझे बहुत टेस्टी लगता है, इट्स वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट एज वेल। देन 4 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई लंच। मिड मॉर्निंग स्नैक मैंने नहीं खाया बिकॉज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल ज़रा सी भी भूख नहीं थी। सो अभी लंच में मैं छोले, चावल और साथ में सैलड खा रही हूँ, प्याज, टमाटर और खीरा। 2 घंटे के बाद में मेरे आफ्टरनून स्नैक में मैं एक ऑरेंज खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक का टाइम, मैं मैंगो खा रही हूँ। वैसे मैंने 2 ही स्लाइसेस लिए हैं अभी, बट हाँ मैं थोड़ा सा और लूँगी अगर मेरा मन करेगा तो, बिकॉज एक्चुअली वैसे कर ही रहा है, मैं थोड़ा ले ही लूँगी और। एंड अभी तो बहुत कैलोरीज बाकी हैं आज की, तो खा ही लेना चाहिए थोड़ा बहुत। आज मैं फिर डिनर के बाद में जब मैंगो खाती हूँ ना वो नहीं खाऊंगी, अभी इवनिंग स्नैक में ही अच्छे से खा लेती हूँ। वैसे भी मैंगोज़ का सीज़न ख़त्म होने वाला है तो मुझे टेंशन हो रही है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैंगोज़। इवनिंग स्नैक के 2 घंटे के बाद में मैं डिनर में कोल्ड सैंडविच खा रही हूँ। येस, मैं डिनर में खा रही हूँ। कोल्ड सैंडविचेस आर लाइक ट्रू लव फॉर मी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक, आई कैन ईट देम एनी टाइम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो घर के बने हैं आप, लाइक ऑब्वियसली ब्रेड बाहर से बन करके आए, इट्स नॉट दैट ईजी टू बेक ब्रेड्स एट होम, बट आप कोई कर सके तो दैट्स वेरी गुड। आटा ब्रेड है। चलिए आज की डाइट का मैं खुद ही रिव्यू बता देती हूँ। कैलोरीज थोड़ी सी कम है, बट कोई नहीं, एक आध दिन कभी अगर भूख नहीं लगती है तो चल जाता है। 1500 कैलोरीज तो आई थिंक, मुझे लगता है खा ही लेनी चाहिए, इवन इफ़ यू आर ऑन योर वेट लॉस जर्नी। धीरे धीरे वेट कम करो, बट अच्छे से करो, स्लो एंड स्टेडी वंस द रेस ऑलवेज। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, जल्दी जल्दी वेट कम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो वेट क्योंकि वापस गेन भी हो सकता है। और इस डाइट में ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, बहुत सिंपल है, बेसिक है, बट थोड़े एग्स वगैरह ऐड ज़रूर करने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।